नमस्कार, मैं शुभम पाठक और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक पत्रकार बनने के लिए हमें किन किन स्किल्स पे काम करने चाहिए और उसे कैसे डेवलप करने चाहिए। बात अगर पत्रकारिता की करें तो आप एक ऐसे जगत से जुड़ने जा रहे हैं जो कि देश का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, जिस पर लोग आज भी आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। देश की वो तमाम खबरें, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी हो, उसे लोग पत्रकारिता के जरिए ही जानते हैं। और जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको अपने कम्युनिकेशन और राइटिंग दोनों पे समान रूप से ध्यान देना होगा। बेसिकली पत्रकारिता हमारे देश में दो तरह से मुख्य रूप से है, जो कि एक प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमें लोगों के बीच और बातचीत करने के तरीके दोनों को स्पष्ट रूप से जाहिर करना होगा, क्योंकि लोग हर जगह से होते हैं और हर जगह के लोगों को समान रूप से अपनी बातें समझानी होती है। एक और बात ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप खुद को कैमरे के सामने किस प्रकार से रखते हैं और किस प्रकार से लोगों से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि लोग सुबह सुबह उठ के अखबार के जरिए जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो बेसिकली बात इतनी सी है कि आपको उसके लिए अपने शब्द उनके अनुसार रखने होंगे जो कि उसे उन्हें सीधा सीधा समझ में आए। तो इतना कह सकते हैं कि अगर आपको एक बेहतर पत्रकार बनना है तो उसके लिए आपको अपनी बातचीत करने के तरीके, अपने लिखावट के शब्द और ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी खबर की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। बेहतर संबंधित और भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।